ये कथन तो आपने कई बार सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे आसपास की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर हमें उसे और जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, और यही जिज्ञासा हमें उसके बारे में और जानने, पढ़ने और उसे समझने के लिए प्रेरित करती है और एक नए आविष्कार को जन्म देती है। इतिहास के कई ऐसे आविष्कार हैं जिनके आविष्कारों की बदौलत ही आज हमें एक बेहतर और एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसे भी और कई आविष्कार रहे हैं जिनका आविष्कार ही उनकी मौत की वजह बन गया था। आज हम आपको कुछ उन्हीं आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग और पूरी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, तो ये पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर वन, सिल्वेस्टर एच रोपर। अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर हार्डवर रोपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। इस आविष्कारक ने रोपर स्टीम वेलो के पीड़े, जिसे हम साइकिल की एक पुरानी किस्म भी कह सकते हैं, भाप से मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था अपनी खोज को दुनिया के सामने लाने के लिए। मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम नाम के एक कंपटीशन में शामिल हुए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रोपर स्टीम वेलो के पीड़े की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नंबर टू, फ्रांज रेगलर्ट। फ्रांज रेगलर्ट ने कोट पैरासूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसके परीक्षण के लिए उन्होंने एफिल टावर से छलांग लगा दी थी, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ के चलते उनका पैराशूट नहीं खुला और इसी की वजह से वे टावर के नजदीकी बर्फीले मैदान में गिर गए और उनकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। उन्हें फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर थ्री, केरल सोसेक। केरल सोसेक ने सोक अवशोषित बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियाग्रा फॉल से नियाग्रा नदी में लुढ़काने का कर्तव्य दिखाया, लेकिन उस दौरान कुछ दुर्घटना हुई। वह कैसे भी करके बच तो गए, लेकिन जब वे बाहर आए तो उनके नाक से खून बह रहा था। चिकित्सक परीक्षण के दौरान पता चला कि कर्तव्य के दौरान उनके छाती और पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी, और इसी वजह से इनका अस्पताल में ही निधन हो गया था। नंबर फोर, हॉरेस लॉसन हनली। हॉरेस लॉसन हनली ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। दो असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ उनकी बनाई हुई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1863 को चार्लस्टन दक्षिण कोरिलिनिया में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया, और उनके सम्मान में यूएसए का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी को H.L. हनली का नाम दिया गया। नंबर फाइव, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी और रासायनिक विज्ञान थी, और विश्व की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी आइसोटोपी को अलग करने के लिए रेडियो एक्टिविटी और टेक्निकों के थ्योरी को स्थापित किया था। इन्होंने एक प्रोसेस का इन्वेंशन किया था जिससे रेडियो एक्टिविटी को दो तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती है। सोल सामग्री से निकलने वाली रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर सिक्स, हेनरी स्मोलेनस्की। हेनरी स्मोलेनस्की ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया, जिसका नाम AVE मिर्जा रखा था। जब वे साइट पर अपने परीक्षण कर रहे थे तो हेनरी को मैनेजर को सूचित करना था, लेकिन उस दिन ऐसा करने में वे असफल रहे। यह स्पष्ट नहीं है क्यों, और उसके साथ एक पायलट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। थोड़े समय के लिए सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ गलत होने लगा और फ्लाइंग कार में से काला धुआं निकलने लगा, और वे केवल 2 मिनट के लिए ही हवा में रहे और फ्लाइंग कार का एक पंख अनियंत्रित होने लगा, और उसके साथ ही फ्लाइंग कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। नंबर सेवन, सबीन अर्नोल्ड वॉन सोचोकी। डॉक्टर सबीन अर्नोल्ड वॉन सोचोकी यूक्रेन में जन्मे एक अमेरिकी नागरिक थे, जिन्होंने रेडियम को अन्य सामग्री के साथ मिलाकर चमकदार पेंट बनाने का एक तरीका खोजा, जिससे इन्होंने बड़ी चतुराई से एक पेंट को अनडार्क किया। रेडियम जब कुछ पदार्थों के साथ क्षय और संपर्क करता है तो एक चमक उड़ती है, और वॉन सोचोकी उस शोध के ऊपर बहुत पैसा कमाना चाहता था। अमेरिकी सेना की वॉचेस पर इस पेंट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कारखाने के वर्कर्स और इसके निर्माता वॉन सोचोकी को रेडियो एक्टिविटी पेंट का जहर लग गया, और सन 1928 में रेडियम विष से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर एट, विलियम ब्लॉक। विलियम बेल ने वेब रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया।
इसके आविष्कार के कई साल बाद फिलाडेल्फिया में नई मशीन की स्थापना के दौरान उसका पैर कुचला गया था। कुचले हुए पैर में गैंग्रीन हो गया और पैर काटने के दौरान विलियम की मृत्यु हो गई। नंबर 9, फ्रांसीसी एडगर स्टैनली। फ्रांसीसी एडगर स्टैनली उन आविष्कारों की सूची में एक नाम था जो अपने स्वयं के आविष्कारों के कारण मर गए। स्टैनली स्टीमर चलाते समय लकड़ी के ढेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह स्टैनली मोटर गैरेज कंपनी द्वारा विकसित एक भाप इंजन आधारित कर रही थी, जिसकी स्थापना फ्रांसीसी एडगर स्टैनली और उनके जुड़वा फ्रीलन ओ स्टैनली ने की थी। नंबर 10, थॉमस एंड्रयूज। थॉमस एंड्रयूज एक आयरिश व्यापारी और जहाज निर्माता थे। समुद्री जहाज टाइटैनिक नावल आर्किटेक्ट के इंचार्ज थे। वह अपनी पहली यात्रा के दौरान उस जहाज पर यात्रा कर रहे थे जब इस विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक हिमखंड से टकराया। तब 1500 से अधिक लोगों के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई और आज तक उनका शरीर नहीं मिल पाया। नंबर 11, थॉमस मिडगली जूनियर। थॉमस एक अमेरिकी इंजीनियर और रासायनिक थे जिन्हें 51 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जिससे वे गंभीर रूप से विकलांग हो गए थे। उन्हें दूसरों को बिस्तर से उठाने में मदद करने के लिए रस्सियों और चरखी की एक विस्तृत प्रणाली तैयार की। वह गलती से उस उपकरण की रस्सियों में फंस गए और 55 साल की उम्र में गला घोटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 12, अलेक्जेंड्रा बोगदानोव। अलेक्जेंड्रा बोगदानोव एक रूसी चिकित्सक और दार्शनिक थे जो रक्त आधार के साथ प्रयोग करने वाले पहले लोगों में से एक थे। मलेरिया और टीबी पीड़ित का खून खुद पर लगाने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है ना, जब आप दूसरों की मदद के लिए आविष्कार कर रहे हैं, वह आविष्कार दूसरों के लिए तो चमत्कार साबित हो जाता है पर कई बार स्वयं के लिए अभिशाप बन जाता है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ और वैज्ञानिकों के नाम बताते हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों से मानव को तो कई प्रकार की सुविधा दी परंतु वे खुद अपने जाल में स्वयं फंस गए। नंबर 13, माइकल ड्रेके। माइकल ड्रेके ने AVCEN जेटपोर्ट का आविष्कार किया जिनका उपनाम फ्लाइंग टैक्सी रखा गया। क्षेत्रीय शहरों के बीच तेज सस्ती यात्रा की अनुमानित देने के लिए डिजाइन किए गए अपने उड़ने वाले टैक्सी उपकरण का परीक्षण करने के बाद माइकल ड्रेके की मृत्यु हो गई। नंबर 14, मैक्स वेलियर। मैक्स वेलियर ने 1920 के जर्मन रॉकेट सोसाइटी के सदस्य के रूप में तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजन का आविष्कार किया। 17 मई 1930 को बोरेलिन में उनके परीक्षण के दौरान अल्कोहल से चलने वाले इंजन में विस्फोट हो गया जिससे उनकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। नंबर 15, माइक हुजेस। पृथ्वी को चपटी साबित करने की कोशिश में अमेरिका के स्वघोषित वैज्ञानिक और खोजी माइकल होग्स की मौत हो गई। मैड माइक के नाम से पहचाने जाने वाले होग्स अपने बनाए रॉकेट में सवार हो गए थे जो उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में गिर गया। होग्स का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है। इस बात का प्रमाण देने के लिए वह पृथ्वी के वातावरण और बाहरी अंतरिक्ष की सीमा तक जाना चाहते थे। नंबर 16, मोहम्मद अल जोहरी। मोहम्मद अल जोहरी 11वीं शताब्दी के आरंभ के इराक के एक प्रमुख विद्वान थे और वे एक आविष्कारक भी थे जो विशेष रूप से उड़ने के प्रभावी जुनूनी थे। उसने लकड़ी के पंखों के एक जोड़ों को उन पर चिपकाया और स्थानीय इमाम को प्रभावित करने की कोशिश की। वह एक मस्जिद की छत से कूद गए, बाकी की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। नंबर 17, जीन फ्रांक्यूस प्लाट्रेडी रोजियर। रोजियर एक फ्रांसीसी शिक्षक थे जो रासायनिक विज्ञान और भौतिक पढ़ाते थे। वह उड़ायन के भी अग्रणी थे जिन्होंने 1783 में पहली मानव युक्ति मुक्त गुब्बारा उड़ान भरी थी। अंग्रेजी चैनल में उड़ान भरने के प्रयास के दौरान पास डे क्लासेस में वी मैगज्यूर के पास उनका गुब्बारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। 15 जून 1785 को जब उनका रोजियर गुब्बारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो प्लाट्रेडी रोजियर एक पहले व्यक्ति थे जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई हो। नंबर 18, वान हू। 2000 ईस्वी पूर्व के चीनी अधिकारी वान हू जिन्होंने पटाखों की मदद से कुर्सी का प्रयोग करके चंद्रमा पर उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन आप समझ सकते हैं इसका क्या नतीजा रहा होगा। वान ने 47 रॉकेट को एक कुर्सी से जोड़ दिया, उससे धुआं निकला और जब सारा धुआं साफ हुआ तो ना वान हू दिखे और ना ही उनकी कुर्सी दिखी। नंबर 19, लीसी। लीसी 240 ईसा पूर्व और 208 ईसा पूर्व के बीच चीन में किन
राजवंशों के एक प्रसिद्ध कानूनी सुलेखक और प्रभावशाली चैलेंजर थे। लिसी को फाइल पेन्स नामक भयानक यातना प्रतिनिधि का आविष्कारक भी माना जाता है। इस क्रूर तरीके के अनुसार पहले पीड़ित के माथे पर दाग लगाया जाता है, फिर नाक काट दी जाती है और उसके बाद पैर काट दिए गए, फिर पीड़ित को नपुंसक बनाया गया और अंत में मृत्यु दंड दिया जाता था। हालांकि सम्राट की मृत्यु के बाद लिसी को उनके स्वयं के आविष्कार द्वारा ही उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को दबाएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।